फ्रेंड से दुनिया है और यहाँ पर हमारे बस में नहीं होता है कि कौन हमें पसंद करे और कौन हमें नापसंद करे। हमारी कोशिश तो ये होती है कि हमें हर कोई पसंद करे और हर कोई हमें सराखों पे ले, लेकिन होता क्या है, ये सारी चीजें हमारे वश में नहीं होती हैं। कुछ लोग हमें पसंद करते हैं और कुछ लोग हमें बिल्कुल नापसंद करते हैं। क्यों करते हैं कोई रीजन नहीं होता और उसका कुछ अता पता भी नहीं होता है। सो आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि जब कोई इस तरीके के व्यक्ति हमें नापसंद करते हैं तो हमें करना क्या है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कई बार हमें पता होता है कि भाई सामने वाले लोग ठीक हैं और हम ही में कोई ना कोई ऐब है या हमारे ही अंदर कोई कमी है, और अगर हम इस कमी को सुधार सकते हैं या हम अपने इन ऐबों को दूर कर सकते हैं तो भाई उन चीजों को सही करिए, उन कमियों को सुधारिए और अगले की नापसंद को पसंद में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। जो सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार लोग क्या होता है प्रिजुडाइज्ड होते हैं, यानी कि किसी और ने हमारे बारे में जो बताया होता है या उन्होंने जो दूसरों से सुना होता है हमारे बारे में वो वैसे ही इमेज क्रिएट करे बैठे होते हैं और उन्हें खुद नहीं पता होता है वो हमें नापसंद क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इस थॉट को अपने इस विचार को हमेशा दिमाग में रखते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन हमें पसंद नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैं आपसे कहूंगी कि अगर कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है और इस तरीके के व्यक्तियों से अगर बातचीत करके उसे सुधारा जा सकता है तो बातचीत जरूर करिएगा। कि एटलीस्ट कई बार क्या होता है कि जब लोग आपसे मीटिंग करते हैं, जब लोग आपसे रूबरू होते हैं, तब वो समझ पाते हैं कि नहीं भाई इस व्यक्ति के बारे में मैं तो गलत सोचा था, रियलिटी में तो कितना शानदार इंसान है। सेम वे फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भाई कई बार हम इन्हीं लोगों के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई ये क्यों ना पसंद कर रहा है, ऐसा क्या मैंने कहा, वैसा क्या कहा, बहुत सारी चीजें। बट यहाँ पे बात आ रही है कि भाई जो ना पसंद कर रहा है भाई ये तो उसका आउटलुक है। यहाँ पे जब हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। सो ठीक है, मैं दूसरों के नजरियों को देखना चाहिए, बट ये उसकी चॉइस है कि वो मुझे पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे किसी भी हालत में अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देना है। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट अपने दिमाग में ये भी लाना है कि भाई वो मुझे नापसंद कर रहा है, हो सकता है कि उसमें अपना कोई फॉल्ट हो सकता है उसमें अपनी कोई कमियां हो सकता है वो मुझसे जेलस फील करता हो, सो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है कि ऐसे लोगों को हम मनाने की कोशिश करते हैं। भाई एक बार दो बार मनाना तो लाजमी होता है, क्योंकि अपने आप दिल में हमें कहीं ये ना रह जाए कि भाई हमने सामने वाले को पूछा नहीं है, सामने वाले से रिलेशन सही करने की कोशिश नहीं करी। दो बार तीन बार तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अपने आप को गिराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को कई बार भाव खाने की भी आदत होती है। उन्हें लगता है कि यस मैं इसके बारे में बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ, ये बिल्कुल बेकार इंसान है। सो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत भाव ले लिया लेकिन उसके बाद ज्यादा ऐसे लोगों को बॉदर नहीं करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि ऐसे लोगों से हमें बातचीत करना अवॉइड करना है, यानी कि ऐसे लोग हमेशा तैयार बैठे रहते हैं कि ज्यादा आपसे इनका कॉन्वर्सेशन हुआ तो उस कॉन्वर्सेशन को ये आर्ग्यूमेंट्स में चेंज कर देते हैं और उस आर्ग्यूमेंट को वो इतना खींचते हैं कि वो झगड़े में कन्वर्ट कर देते हैं। सो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि उनसे कॉन्वर्सेशन अवॉइड करना है, और दूसरा उनकी फितरत को जानते हुए उस कॉन्वर्सेशन को आर्ग्यूमेंट या झगड़े में चेंज नहीं होने देना है। जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ऐसे लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के आपको या तो इग्नोर करते हैं, जानबूझ के सबके सामने आपको क्रिटिसाइज करते हैं, या जानबूझ के ऐसा बिहेवियर करते हैं कि आप हर्ट हो या आपका अटेंशन उनकी तरफ जाए। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताना चाहूं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अटेंशन सीकर भी होते हैं, उनका जानबूझ के दिल करता है कि आप उनकी तरफ ध्यान दें। सो आपको अपने ऊपर अगेन कंट्रोल रखना, आपको उनको ऐसे शो करना है कि जैसे वो आपको दिख ही नहीं रहे हैं। एंड फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार ऐसे लोगों की ये फितरत भी होती है कि वो नापसंद क्यों कर रहे हैं ये उन्हें खुद भी नहीं पता होता है, बट वो इस तरीके से अपने बिहेवियर को कंटिन्यू करते हैं। सो हमें भी एक चीज अपने जहन में हमेशा बसा के चलनी है कि कभी ऐसे लोग बहुत भले होने का ड्रामा करते हैं या कभी हमारे साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो अचानक से हमें पसंद करने लगे। वहां पर मेरा सजेशन है कि उनसे अच्छे से बात जरूर करिएगा, उनसे अच्छे से पेश जरूर आइएगा, लेकिन उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट कभी मत करिएगा। होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।